महाराष्ट्र और हरियाणा में एक बार फिर कमल खिलाने की कोशिश तेज होती जा रही है। बीजेपी के दिग्गज प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री खुद दोनों राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस और एनसीपी को जमकर कोसा। महाराष्ट्र चुनाव में अब 10 दिन का वक्त बाकी है। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी मैदान में है। दिग्गज नेता मैदान में उतरकर अपने दल की खासियत और विपक्ष की खामियां बताने में जुटे हैं, जिससे सत्ता की चाबी हासिल की जा सके। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराष्ट्र में गरजे। बुलढाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षियों को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एनसीपी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए चलने वाली पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए चलने वाली पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी 21 तारीख को चुनाव होना है। दोनों खेमे चुनावी मैदान में खड़े हैं। एक ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना है, जबकि दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी पार्टी की सरकार चाहिए। शाह ने कहा कि बुलढाणा जिला न सिर्फ विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माता जीजाबाई की जन्मस्थली है। अपनी सरकार का बखान करने के साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी विदर्भ के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस और एनसीपी अपने बेटों के विकास के लिए काम कर रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार और उनके बेटे सभी मैदान में हैं। गृह मंत्री ने विपक्षी गठबंधन के लिए कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस और एनसीपी का संस्कार है। पूर्व की सरकारों ने विदर्भ के साथ अन्याय किया था, मगर हमने समग्र महाराष्ट्र का विकास किया है और यही हमारी संस्कृति है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।